हेलो मेरे पढ़ाकू, कैसे हो? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने कुछ एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आज और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.16। लास्ट टाइम मैंने आपको जो होमवर्क में दिए थे वो न्यूमेरिकल, आशा रखता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए जो होमवर्क में दिए थे। आज नए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.16। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय ए रिंग। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल, मतलब जब छोटे मेजरमेंट करने हैं एटॉमिक स्केल पे जाएंगे तो यूनिट क्या यूज करेंगे? ए रिंग। वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट एंगस्ट्रॉम। वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर। द साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये क्या दिया हमें? रेडियस। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। सो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब? वॉल्यूम किस में पूछा है? मीटर क्यूब में। ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मोल, वन मोल हाइड्रोजन एटम का कितना वॉल्यूम होगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो हम एक एटम का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और फिर एक मोल में जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं उनका टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। व्हेन वी आर कंसीडरिंग एटम एट द टाइम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, मुझे बताओ एटम का क्या शेप रहता है? केमिस्ट्री में आप एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़े होंगे, बहुत सारे मॉडल हैं, काफ़ी सारे मॉडल फेल हुए, लास्ट में बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़े होंगे, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। बट अकॉर्डिंग टू दैट न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, सो शेप ऑफ द एटम दैट इज स्फेरिकल। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर क्यूब। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आर की वैल्यू है हमारे पास, एक एटम के लिए वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या बनता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम। 4/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14 इंटू आर क्यूब। अब हमें पूछा है वॉल्यूम मीटर क्यूब में और रेडियस है हमारी एंगस्ट्रॉम में, किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? मीटर में। तो मुझे बताओ 0.5 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करूँ क्या बनेगा? 0.5 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10, सो 10^-10 मीटर। सो वी कैन राइट 0.5 इंटू 10^-10 टू द पावर 3, 4 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 3, बताइए कितना बना? 4 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 3, ये मिलेगा आपको 0.5233 इंटू 10^-10^3, दैट इज 10^-30, 10^3 = 30, 10^-30 मीटर क्यूब। ये हमें मिला वॉल्यूम ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम बनेगा 0.5233 इंटू 10^-30 मीटर क्यूब। चलो एक हाइड्रोजन एटम
का वॉल्यूम हमारे पास है। अब क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर वन हाइड्रोजन एटम वॉल्यूम दैट इज 0.52 × 10⁻³० मीटर क्यूब देन फॉर इन वन मोल हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर। एक मोल में कितने एटम होंगे हाइड्रोजन के, एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻²³ एटम्स। व्हाट विल बी द वॉल्यूम दैट वी हैव टू फाइंड, तो कितना वॉल्यूम बनेगा टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम वी इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻²³ × 0.52 × 10⁻³⁰ नियरली 6, 5 जा 30 6 × 0.5 दैट इज 3 × 23 − 30 दैट इज 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब। नियरली वी कैन राइट 3 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब। सो टोटल एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब। आइए देखते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.17। वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम, दिस इज एटॉमिक वॉल्यूम। एंड हियर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है और उसका वॉल्यूम कब मेजर किया गया है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर, पर लीटर में चलेगा नहीं, हम वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। सो वी शुड कन्वर्ट दिस लीटर इनटू मीटर क्यूब, तो ये बनेगा 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। एक लीटर कितना बनता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये हमें मिल गया मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देखो क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम है हमारे पास, टू द एटॉमिक वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। एंड ऑलरेडी वी फाउंड दिस वैल्यू, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 3 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब। तो एटॉमिक वॉल्यूम तो है हमारे पास और मोलर वॉल्यूम भी हमें मिल गया, सिर्फ रेशियो निकालना है। टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर डायरेक्ट आपको एग्जाम में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.17 पूछा जाए तो आपको ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। रेडियस क्या बनेगा, यहाँ पे दिया क्या दिया, टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, हाइड्रोजन मोलिक्यूल, तो मोलिक्यूल कैसे बनेगा, दो हाइड्रोजन कंबाइन होके हाइड्रोजन एटम और मोलिक्यूल H2, तो जब मोलिक्यूल बनेगा तो साइज क्या हो जाएगी 1 एंगस्ट्रॉम। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें तो साइज क्या हो जाएगी 1/2 दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर डायरेक्टली एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.17 पूछते हैं तो आपको पहले रेडियस लिखनी है, फिर आपको एक हाइड्रोजन एटम के लिए वॉल्यूम निकाल लेना चाहिए, फिर टोटल वॉल्यूम 1 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल लेना चाहिए। पर हमने ये ऑलरेडी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.16 में निकाल लिया है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि अभी हमने निकाला। वाई इज़ द रेशियो सो लार्ज, ओके, जो रेशियो आना चाहिए वो बड़ा आना चाहिए और अगर आता है बड़ा तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो हमें बताना है। चल पहले क्या फाइंड करते हैं, रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम। क्या बना मोलर वॉल्यूम 22.4
इंटू 10^-3 मीटर क्यूब एंड एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब 3 × 10^-7 मीटर क्यूब। ट्वेंटी टू पॉइंट फोर अपॉन थ्री क्या बने? 22.4 upon 3 दैट इज 7.46 10^-3 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 7 10^4 सो दिस कैन बी रिटन एज 7.5 × 10^4 द वैल्यू इज वेरी लार्ज। रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाई इज दिस रेशियो सो लार्ज? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जब एटॉमिक वॉल्यूम निकाला तो एक हाइड्रोजन एटम के लिए जो वॉल्यूम मिला वैसे ही हमने टोटल 6.02 × 10^23 एटम्स के लिए निकाल लिया। मतलब हमने उसके बीच में कोई स्पेस कंसिडर किया नहीं है। मतलब हमने क्या कंसिडर किया, एक मोल हाइड्रोजन एटम जितने हैं उनका गुच्छा कंसिडर कर लिया और उनका वॉल्यूम निकाल लिया। मतलब टोटल जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं कितने हैं, 6.02 × 10^23 एटम्स, उनको एक जगह भर के और उसका वॉल्यूम निकाल लिया। पर जबकि हम मोलर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्या बोला है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। गैस जो है वो फैलता है, तो जब हम गैस कंसिडर कर रहे हैं, मोलर वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, वैन वी आर कंसिडरिंग मोलर वॉल्यूम एट द टाइम, दिस मोलर वॉल्यूम इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू एटॉमिक वॉल्यूम। वाई? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर स्पेस वैन वी आर कंसिडरिंग गैस। गैस कंसिडर करेंगे तो गैस तो फैलेगा, तो हमें मोलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस को कंसिडर करना पड़ेगा। दैट इज वाई रेशियो इज वेरी लार्ज, मोलर वॉल्यूम इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम कंसिडर किया तो सबको एक साथ कंसिडर कर लिया, मोलर वॉल्यूम है तो तब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। सो ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर स्पेस रेशियो इज वेरी लार्ज। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर स्पेस रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। क्या ठीक समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट, बढ़िया, चल क्या बात। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.16 एंड 2.17। चलो 2.16 2.17 हो गए, आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.18। एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन द नियर बाय ट्रीज हाउसेस एक्सेट्रा सीम टू मूव रैपिडली इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ट्रेन्स मोशन। अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो और अगर ट्रेन चल रही है अच्छी रफ्तार के साथ, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो, आप लोग देखते होंगे पास की जो चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं। आपकी अगर ट्रेन की डायरेक्शन इस तरफ है तो वो चीज़ें पीछे की तरफ मूव कर रही होंगी। सो द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स सीम टू मूव रैपिडली इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ट्रेन्स मोशन। ये तो आप लोगों ने सबने ऑब्जर्व किया होगा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं, ट्रेन में तो बैठे हो ना, ठीक नहीं बैठे हो तो बैठ के देख लेना। बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हिल टॉप्स द मून द स्टार्स एक्सेट्रा सीम टू बी स्टेशनरी। अगर ट्रेन में बैठे बैठे अगर मून को ऑब्जर्व किया जाए, स्टार्स को देखा जाए, तो क्या लगेगा, वो स्टेशनरी लगेंगे कि वो भी लगता है पीछे जा रहे हैं, वो हमेशा स्टेशनरी लगेंगे, याद नहीं होगा है ना। फिर से जब ट्रेन में बैठो तो ऑब्जर्व करना क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये पूछ रहे हैं एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली, फिजिक्स के बेस पे हमें समझाना है ऐसा क्यों हो रहा है। कॉमन एक्सपीरियंस है, सबने एक्सपीरियंस किया है, पर क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे समझें।
दिस इज थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसमें चर्चा करनी है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाना नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं क्या होता है। सपोज कर लो कि आपकी ये ट्रेन है, ठीक, ये मान लेते हैं ट्रेन, ठीक है, और ट्रेन इस तरफ जा रही है, और जब ट्रेन इस तरफ जा रही है तो आप जब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करोगे, मान लो कि यहाँ की कोई चीज़ को ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है, तो मान लो कि पैसेंजर यहाँ पे बैठा हुआ है, मान लो कि पैसेंजर यहाँ से उसे ऑब्जर्व कर रहा है, दिस इज नियर बाय ऑब्जेक्ट, और इसको कोई पैसेंजर यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, सो दिस लाइन, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड आई इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड आई ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, वो कुछ एंगल बना रहा है, राइट, पर ट्रेन आगे जाएगी, तो ट्रेन आगे जाएगी तो मुझे बताओ यहाँ से देखा जाए तो एंगल बदल जाएगा, जैसे ही वो आगे जाएगा तो लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगा तो उसका एंगल बदल जाएगा, जैसे ही पर्सन आगे पहुँचेगा फिर एंगल बदल जाएगा, सो दिस एंगल कीप्स ऑन चेंजिंग व्हेन पर्सन इज ऑब्जर्विंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, कैसा, बहुत दूर का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन व्हाट विल हैपन, अब मैं इतना दूर तो यहाँ से नहीं दिखा सकता हूँ पर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मान लेना कि बहुत दूर है, राइट, इसको मान लेते हैं हम मून, व्हेन पर्सन इज ऑब्जर्विंग दिस मून फ्रॉम दिस पोजिशन, तो क्या ये लाइन हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, अगर इस पोजीशन से ऑब्जर्व करे तो क्या ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, इस पोजीशन से ऑब्जर्व करे तो क्या ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट द टाइम लाइन ऑफ साइट विल नॉट चेंज, इट मीन्स दिस एंगल्स विल रिमेन सेम व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे, मतलब एंगल में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो लाइन ऑफ साइट का एंगल चेंज होता नहीं है, अगर एंगल नहीं चेंज होता है तो वो कैसा लगता है, स्टेशनरी, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सीम टू बी स्टेशनरी, और ये ऐसा लग रहा होता है कि ये पीछे जा रहा है, राइट, ट्री को देखेंगे ट्री चल रही होती है कि नहीं चल रही होती, पर लाइन ऑफ साइट चेंज होती है, उसकी वजह से हमें क्या लगता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स सीम टू बी इन मोशन, वो ऐसा लगता है, सो दिस इज द रीज़न दिस वे वी कैन एक्सप्लेन, क्या समझ में आ गया, एकदम क्लियर, परफेक्ट, ओके, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.19। अ पारसेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, पारसेक के बारे में थोड़ा बहुत हम थियोरी में पढ़ चुके, बट एक्चुअल में पारसेक क्या है, उसकी वैल्यू कैसे मिलती है, आज आपको पता चलेगा, ये न्यूमेरिकल से आपको पता चलेगा कि पारसेक की वैल्यू कैसे ऑब्टेन की जाती है। अ पारसेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरेलेक्स ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। ध्यान से देखो क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं सन, राइट, एंड हियर सपोज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन दिस ऑर्बिट, तो दिस इज द इनिशियल पोजिशन आई एम टेकिंग एंड दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड अर्थ, एंड लाइन ज्वाइनिंग सन एंड अर्थ वी हैव टू कंसिडर बेस लाइन,
उसे क्या कंसीडर करने को बोला, बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, तो ये हमारी बन जाएगी बेस लाइन। क्या ठीक याद है बेस लाइन? पैरेलेक्स मेथड पढ़े थे तब हम बेस के बारे में पढ़े थे, याद है? और प्लेन एंगल थीटा का फॉर्मूला लगाया था, बेस अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। द लाइन ज्वाइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेस लाइन। हाउ मच इज अ पारसेक इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, मीटर में हमें फाइंड करना है एक पारसेक की वैल्यू क्या होगी। तो पारसेक है क्या? पारसेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरेलेक्स ऑफ 1 सेकंड फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ बेस लाइन। तो ये हो गई हमारी बेस लाइन, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट, राइट? ये कितना एंगल बनाना चाहिए यहाँ पे? 1 सेकंड, 1 सेकंड, डिग्री मिनट और सेकंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ये एंगल कितना बनना चाहिए? 1 सेकंड। देन हियर दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पारसेक, ये बनेगा 1 पारसेक, एंड दिस इज नथिंग बट रेडियस, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो चीज कुछ ऐसी हो गई। दिस अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इन 1 ईयर इट विल कंप्लीट इट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, एक साल में एक चक्कर पूरा करती है अर्थ, तो 6 महीने के बाद अर्थ की कुछ पोजिशन यहाँ पे होगी, 6 महीने के बाद अर्थ यहाँ पे पहुँच गई होगी, और उसका डिस्टेंस आपको एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.19 में दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ। अगर आप एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.19 कंप्लीटली स्टडी करोगे, उसके आगे की चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हमें पारसेक में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतना लिखा हुआ है। बाकी आगे उन लोगों ने पैरेलेक्स मेथड के लिए कंसीडर किया हुआ है, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या दिया हुआ है, पूरा डायमीटर ये पूरा दिया हुआ है हमें 3 × 10^11 मीटर, कितना दिया हुआ है? 3 × 10^11 मीटर। तो 6 महीने के बाद अर्थ यहाँ पे पहुँच जाएगी और डायमीटर हमें दे दिया 3 × 10^11 मीटर। बट हियर वी हैव टू कंसीडर बेस लाइन ओनली, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड अर्थ। तो मुझे बता ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड अर्थ कितना हो जाएगा? 1.5 × 10^11 मीटर, यस और नो? पूरा डायमीटर तुझे दे दिया 3 × 10^11 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 × 10^11 मीटर। क्या ठीक? और अगर याद हो तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, याद हो तो, और उसकी वैल्यू क्या थी? 1.496 × 10^11 मीटर, याद है? 1.496, अगर राउंड ऑफ करें तो 1.5 × 10^11 मीटर, करेक्ट? चलो हमें ये फाइंड करना है पारसेक इन मीटर, ये मीटर में है तो हम ये डिस्टेंस रेडियस को मीटर में निकाल सकते हैं, पर मीटर में निकालना है और अगर प्लेन एंगल थीटा का फॉर्मूला लगाना है तो हमें पहले तो इस एंगल को किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? रेडियन में। तो मुझे बताओ थीटा इज इक्वल टू 1 सेकंड इज इक्वल टू, इफ यू कन्वर्टेड इट इनटू रेडियन, याद करो 1 सेकंड की वैल्यू क्या थी? 1 सेकंड इज इक्वल टू डैश रेडियन, याद करो एग्जांपल सॉल्व किया था क्या थी? 4.85 × 10^-6 रेडियन, यस और नो? 4.85 × 10^-6 रेडियन। तो प्लेन एंगल थीटा है हमारे पास, चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या बनेगा? प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, हमारा इंटरेस्ट किस में है? रेडियस में। तो आर क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू बी बाय थीटा, बी कितना है? 1.5 × 10^11 अपॉन थीटा, दैट इज 4.85 × 10^-6। चलो 1.5 अपॉन 4.85 कितना बने? 1.5 अपॉन 4.85, तो ये बनेगा 0.309 × 10^11 + 6, 10^17
So this can be written as 3.09 into 10 raised to 16 meter. So we can write 1 parsec is equal to 3.09 into 10 raised to 16 meter. So this is the value of 1 parsec, 3.09 into 10 raised to 16 meter. और याद करो क्या यही वैल्यू मिली थी, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3 इंटू 10 एस टू 16 मीटर, 3.09 इंटू 10 एस टू 16 मीटर. सो दिस वे वी कैन ऑब्टेन वैल्यू ऑफ 1 पार्सेक. क्या क्लियर है? एकदम परफेक्ट. अगर ये न्यूमेरिकल हो गया है तो एक्साइज न्यूमेरिकल 2.20 भी हो जाएगा. चलो आओ करते हैं एक्साइज न्यूमेरिकल 2.20. आइए सॉल्व करते हैं एक्साइज न्यूमेरिकल 2.20. The nearest star to our solar system is 4.29 light years away. How much is this distance in terms of parsecs? Parsec में हमें निकालना है 4.29 light years को. तो चलो एक काम पूरा कर लेते हैं. How much is this distance in terms of parsecs? 4.29 light year को convert करना है. तो 4.29 light year इज इक्वल टू, पहले इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 4.29 वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 रेस टू 15 मीटर. यस और नो? याद है लाइट ईयर की वैल्यू 4.29, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 रेस टू 15 मीटर. चलो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अब किस में लाते हैं? पार्सेक में. वन पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है? 3.08 इंटू 10 रेस टू 16 मीटर. सही? तो मुझे बताओ वन मीटर इज इक्वल टू डैश पार्सेक, वन अपॉन 3.08 इंटू 10 रेस टू 16 पार्सेक. चलो एक मीटर को हमने पार्सेक में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो हमें लाइट ईयर किस में मिल जाएगा? पार्सेक में. तो लिख सकते हैं 4.29 लाइट ईयर इज इक्वल टू 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10 रेस टू 15 अपॉन, वन मीटर की जगह क्या रख देंगे? 1 अपॉन 3.08 इंटू 10 रेस टू 16 पार्सेक. अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? पार्सेक में. 4.29 इंटू 9.46 अपॉन 3.08 करोगे तो आंसर मिलेगा आपको, ये पूरा टोटल फाइंड करोगे तो मिलेगा 1.32 पार्सेक. ये हमें मिल गया 4.29 लाइट ईयर इन पार्सेक. तो 4.29 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1.32 पार्सेक्स. चलो हमारा आंसर पार्सेक में मिल गया. हाउ मच parallax would this star? So when viewed from two locations of the earth 6 months apart in its orbit around the sun, एक हमें स्टार दिया हुआ है अल्फा सेंचुरी, और वो कहाँ पे है? अर्थ की ऑर्बिट अराउंड द सन. याद करो हमने ड्रॉ की थी, तो 6 महीने में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 months अपार्ट, पहले यहाँ पे होगी फिर यहाँ पे होगी, तो टोटल डिस्टेंस क्या था? 3 × 10⁻¹ⁱ मीटर ऑफ द अर्थ 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. वो अल्फा सेंचुरी के साथ क्या एंगल बनाएगा वो हमें फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? हाउ मच पैरेलेक्स वुड दिस स्टार. सो पैरेलेक्स मीन्स पैरेलेक्टिक एंगल वी हैव टू फाइंड. क्या फाइंड करना है? पैरेलेक्टिक एंगल. और ये डिस्टेंस क्या हो गया? 4.29 लाइट ईयर डिस्टेंस हमें दिया हुआ है. द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर. डिस्टेंस है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क है, सीधा फॉर्मूला लगा दे प्लेन एंगल थीटा का, किस में मिलेगा एंगल? रेडियन में. तो प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. याद है फॉर्मूला? मुझे बता आर्क कितनी है? 3 × 10⁻¹ⁱ अपॉन रेडियस क्या बनी? 4.29 लाइट ईयर. एक लाइट ईयर की वैल्यू क्या है? 9.46
इंटू 10^15 मीटर। चलो इसे सॉल्व करेंगे, 3/4.29/9.46 करो फटाफट, बताओ मुझे क्या मिलता है। ये मिलेगा 0.0739 × 10^11 - 15, कितना बने 10^-4। अगर कन्वर्ट करूँ तो लिख सकते हैं 7.39 × 10^-6 रेडियन। सो दिस इज द पैरेलेक्टिक एंगल, 7.39 × 10^-6 रेडियन। बहुत ही सिंपल सवाल है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले लाइट ईयर को किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मीटर में। एक बार मीटर में कन्वर्ट हो गया तो पारसेक को किस में ला दो, मीटर में। फिर मीटर को किस में कन्वर्ट कर दो, पारसेक में। वही मीटर की वैल्यू किस में डाल दो, ये लाइट ईयर के फॉर्मूला में। आप लोगों को लाइट ईयर किस में मिल जाएगा, पारसेक में। फिर क्या बोला हुआ है, अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के आसपास, और 6 महीने में अर्थ की दो लोकेशन के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3 × 10^11 मीटर। मतलब ये हो गई बेस लाइन, जो हमारा जो स्टार है उसके साथ कुछ एंगल बनाएगी थीटा, और डिस्टेंस क्या हो गया 4.29 लाइट ईयर। सीधा प्लेन एंगल थीटा का फॉर्मूला लगाओ, आपको एंगल मिल जाएगा रेडियन में। क्या ठीक समझ में आया, परफेक्ट। आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.21 and 2.22 इन होमवर्क, थियोरेटिकल हैं। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.21 and 2.22 वो दोनों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम एंडिंग टूडेज लेक्चर विद दिस न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.20। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।